वैसे बहुत सारी फिल्में डायनासोर की हिस्ट्री पर बना दी गई हैं और कई सारे लोगों ने ऐसी फिल्में देख ली है, लेकिन फिर भी डायनासोर से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो शायद हम नहीं जानते। डायनासोर पृथ्वी पर कब आए थे, कैसे अपना जीवन गुजारा था और क्या वजह थी कि जिससे डायनासोर का अंत हुआ था। डायनासोर शब्द सबसे पहले 1842 में जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवेन दे गए थे, जिसका अर्थ होता है बड़ी छिपकली। कई सारे वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार आज से लगभग 16 करोड़ बरस पहले डायनासोर इस पृथ्वी पर राज करते थे। अधिकतर जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं कि आज भी डायनासोर के वंशज मौजूद हैं और वो पक्षियों में पाए जाते हैं। अब तक तकरीबन 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। डायनासोर शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं, कुछ दो पैर वाले तो कुछ चार पैर वाले होते हैं। 19वीं सदी में सबसे पहला डायनासोर का जीवाश्म मिला था, इसके बाद तो हद ही हो गई। डायनासोर के टंगे कंकाल दुनिया भर के संग्रहालय में प्रमुख आकर्षण बन गए। डायनासोर की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप जानते हैं कि इसकी लोकप्रियता बढ़ने का सबसे बड़ा श्रेय हॉलीवुड फिल्मों को जाता है। चौंका देने वाली बात तो ये है कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें डायनासोर पर आधारित है। अब बात आती है कि भला इतना बड़ा जानवर को कौन मार सकता है जो हमारी आंखों से कई करोड़ साल पहले इस दुनिया से चले गए। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के अंत का कारण एक 5 से 6 मील व्यास की उल्का पिंड लगभग 7 करोड़ साल पहले मेक्सिको के प्रायद्वीप से टकराई थी। इस टकराव से लगभग 113 मील चौड़ा गड्ढा बन गया, तब इससे पूरी पृथ्वी पर बहुत तबाही मच गई, जिसकी वजह से धरती पर लगभग सभी डायनासोर का अंत हुआ होगा।